इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विकेट नहीं लेंगे तो आप कैसे बचेंगे बुमराह से? फिलहाल जैसा कि मैंने वादा किया था, लगातार हमारे साथ पांच क्रिकेटर्स होंगे। कोरोना को कैसे हराना है, इस पर भी बात होगी, इनके स्ट्रगल की भी बात होगी और क्रिकेट की भी। अब हम बात करते हैं एक युवा टैलेंट की, जो जबरदस्त टैलेंटेड गेंदबाज के तौर पर आईपीएल 2021 में हमारे सामने आया। उसका नाम है आवेश खान। 8 मैचेस में 14 विकेट उन्होंने लिए। और आवेश, आप भी उड़ान भरने वाले हैं इंग्लैंड के लिए एक स्टैंड बाय गेंदबाज की तरह, तो हम जानना चाहेंगे कि कहां है इस समय आप? पूरी टीम जो है वो होटल में आ गई है और काफी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, क्योंकि आते से ही सभी को क्वारंटीन होना पड़ा है और जो सबका लगेज है उसको अच्छे से सैनिटाइज किया गया है। अब हमें 6 से 7 दिन यहाँ पे क्वारंटीन देना है और 3 टेस्ट हमें हमारे तीन टेस्टिंग होगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हालांकि दूसरे टीम्स को एडवांटेज मिल रहा है, वो क्वारंटीन में नहीं है, न्यूजीलैंड वहां पर पहले ही है। तो आवेश, जैसे आपने बताया कि आप अब टीम इंडिया के बायो बबल में जुड़ चुके हैं, देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया, तो आवेश सुरक्षा के लिए बायो बबल में रहना, 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन होना बेहद जरूरी है। तो थोड़ा क्वारंटीन के अपने अनुभव के बारे में बताएं कि कैसा महसूस होता है क्वारंटीन और बबल में रहना, कितना चैलेंजिंग है ये? रूम में रह रहे के बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको अकेले पूरे 6 दिन रहना है, तो ये थोड़ा सा आपको मेंटली अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। वो ये कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी हमें रूम में ही दे दिए गए हैं, तो हमें रूम में ट्रेनिंग करना है 7 दिन और रूम में रहना है, तो वो एक थोड़ा सा सोचने में आता है कि आपको 7 दिन रूम में रहना है तो 7 दिन कैसे निकलेंगे, और बार बार सोचने में आता है कि आज तो सेकेंड डे है, तो बस उसी का थोड़ा सा ऐसा टेंशन देता है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा आलस आती है, नींद ज्यादा आती है, क्योंकि आपको कुछ करने को नहीं है रूम में, और वो ये कि आप ज्यादा इधर बाहर जा भी नहीं सकते, आप सिर्फ रूम में वॉक कर सकते हो, ये सब चीजें हैं। वाकई में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए इस तरीके के बायो बबल में रहकर अपने आप को फिट रखना और हेल्दी भी रखना मेंटली और फिजिकली। इस साल आप लेकिन आईपीएल के पर्पल कैप की जो दौड़ है उसमें दूसरे नंबर पर है, 8 मैचेस में 14 विकेट आपने लिए, और आपने ये कमाल तब किया है जब आपकी टीम में रबाड़ा और नॉर्के जैसे दिग्गज तेज गेंदबाज हैं। सफलता का राज क्या है 2021 के आईपीएल में आवेश खान का? बस कोशिश ये थी कि इस साल पहले मैच से खेलूं, और वही हुआ, फर्स्ट मैच से खेलने को मिला, और एज ए यंग क्रिकेटर अगर आपको फर्स्ट मैच से आईपीएल में खेलने को मिलता है तो आपका काफी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, काफी मोटिवेशन आता है आपको, और फिर उसके बाद आप फर्स्ट मैच में मैंने अच्छा किया, माही भाई को आउट किया, डुप्लेसिस को आउट किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस उससे काफी ऊपर गया। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू बैक टू बैक मैचेस खेलते गया, उसमें अच्छा करते गया, और मेरा रिदम काफी अच्छा आता था, और मैं इसकी प्रिपरेशन पहले से ही करी थी कि मुझे इस साल फर्स्ट मैच से खेलना है, और बस कोशिश ये ही कर रहा था कि मैच बाय मैच लेके चलू, हर मैच में अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करूँ और टीम के लिए विकेट्स निकालूं और ऐसा परफॉर्मेंस करूं जिससे टीम जीते। बिल्कुल, और टीम को आपने जिताया भी, शानदार गेंदबाजी भी की। सिर्फ 24 साल के हो आप और करीब 150 की स्पीड से रफ्तार से गेंदबाजी भी करते हो, आईपीएल में आपने खूब धूम मचाई है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं, इंग्लैंड बतौर स्टैंड बाय गेंदबाज के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्टैंड बाय तो नहीं रहना चाहते होंगे, भारत के लिए खेलने की एक बहुत जबरदस्त एम्बिशन होगी, चाह रहे होंगे कि किसी तरह टीम में जगह बनाई जाए पहली 11 में। नहीं, वो ये देखिए, अब मेन मोटिव तो इंडिया खेलने का है, टेस्ट खेलने का है, टेस्ट डेब्यू करने का है, तो वही है कि मेन एम तो वही है कि इंडिया के लिए खेलूं, टेस्ट खेलूं, विकेट्स निकालूं, मेन मोटिव तो वही है मेरा। बिल्कुल, और हम भी चाहते हैं आप जैसे युवा गेंदबाज आए और हेल्दी कंपटीशन हिंदुस्तान की क्रिकेट में देखने को मिले। आवेश, हर गेंदबाज में कोई ना कोई एक्स फैक्टर होता है, कोई गेंदबाज यॉर्कर अच्छी डालता है, कोई स्लोअर गेंद तो कोई नकल बॉल, आवेश की गेंदबाजी का एक्स फैक्टर क्या है? मेरा एक्स फैक्टर ये है कि मैं हार्ड लेंथ काफी अच्छी डालता हूँ वाइड बॉल से, और इस साल मैंने यॉर्कर्स काफी अच्छी डाली, हमेशा हर आईपीएल के पहले मैं 5 से 10 सेशन जो बॉलिंग के हैं और वो अपने करके जाता था कि मैं आईपीएल में जब भी फर्स्ट डे से जो मेरा प्रैक्टिस सेशन हो उसमें मैं कोचेस को और कैप्टन को इम्प्रेस कर पाऊँ और अपनी प्लेइंग की दावेदारी रख पाऊँ। तो हमेशा मैं अपनी यॉर्कर्स को बैक करता था और जाने के पहले
आठ से दस सेशन जो बॉलिंग के रहते थे मेरे, उसमें मैं सिर्फ स्पेसिफिक प्रैक्टिस करता था, जैसे नए बॉल से हार्ड लेन दो बाउंसर का हो गया, क्योंकि पावर प्ले में अगर आप बाउंसर भी यूज करते हो तो एक अच्छा बॉल है वो विकेट टेकिंग बॉल है, अगर आप हार्ड लेन कंटिन्यूसली डालते रहोगे तो आप उससे भी डॉट बॉल से भी अगर आप पावर प्ले में डाल रहे हो डॉट बॉल्स डाल रहे हो तो आप प्रेशर बनाओगे बैट्समैन के ऊपर। और वही था कि इस साल मैंने स्लोअर पे भी काफी काम किया अपनी, मैंने स्लोअर्स पे भी काफी विकेट लिए और डेथ ओवर्स में मैं थोड़े पुराने बॉल से सिंगल विकेट यॉर्कर्स भी डाली थी, तो वही था कि वो जो कॉन्फिडेंस था वो मैं उसको आगे लेके गया पूरे आईपीएल मैचेस में। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के। एक युवा गेंदबाज के दिमाग में इतनी क्लैरिटी होना वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इस बार तो आईपीएल में आपने धोनी को भी आउट किया, विराट का भी विकेट लिया, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें हर गेंदबाज आउट करना चाहता है, लेकिन आपने एक ही सीजन में महान बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से परेशान भी किया। काफी अच्छा फील होता है, देखिए वो दोनों लेजेंड क्रिकेटर है टीम मतलब इंडिया के, और एक बडिंग क्रिकेटर के लिए या किसी भी बॉलर के लिए एक सपना रहता है कि माही भाई को आउट करना है, विराट भाई को आउट करना, और मैंने इस साल दोनों को आउट किया है, तो काफी एक अच्छा फील हुआ था, क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी भी जुड़ी है माही भाई के विकेट के साथ मेरी, क्योंकि 2018 में मैं जब दिल्ली के लिए फर्स्ट ईयर खेला था तो माही भाई का कैच छूटा था, तो काफी डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था मुझे। मुझे काफी मैसेज भी आए थे कि यार अगर कैच पकड़ लेता तो माही भाई का विकेट मिल जाता, तो मैंने बोला ठीक है। फिर वही था कि वो तीन साल बाद वो जो विकेट मिलना, तो एक अपने आप में मुझे काफी खुशी हुई जब मुझे विकेट मिला, तो मुझे एकदम जब मैंने वो जंप किया विकेट लेने के बाद, वो फिर जैसे मैं सबसे एकदम हाथ वाथ मिलाने लगा विकेट का जो सेलिब्रेशन था वो सेलिब्रेट किया मैंने, उसके बाद फिर मुझे फील हुआ कि नहीं यार मैंने एट लास्ट तीन साल बाद उनका विकेट लिया। बिल्कुल, और विकेट भी किसका, माही का विकेट है, मजाक थोड़ी है, विराट का भी विकेट लिया है। और वैसे विराट का विकेट लेने के बाद कप्तान का विकेट ले लिया, थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिलहाल क्या विराट का विकेट लेने के बाद कुछ खास बातचीत हुई बाद में, किसी विराट ने आपसे कुछ कहा? विराट भाई से मैच के बाद मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा उनसे जाके कि विराट भाई क्या लगता है आपको, क्या और कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, अपने प्लान्स को लेके तू क्लियर दिखता है, और बस ऐसे ही, और वो भी बोले कि बॉलिंग में स्पीड अच्छी आ रही थी, बोले मजा आ रहा था बॉलिंग खेल के, तो बोले इसी को कंटिन्यू रख, और ये भी बोला कि अच्छा कंपोज दिखा तू, क्योंकि मैंने उस मैच में दो ओवर एबी डिविलियर्स को डाले थे जिसमें से एक ही बाउंड्री खाई थी मैंने एक, और उनको भी डाल के मुझे काफी मजा आया, तो मैं अपने वही था कि इस साल मैं आईपीएल में अपने प्लान्स को लेके काफी क्लियर था, और बैट्समैन को देख के बॉल डालता था कि बैट्समैन क्या क्या सोच रहा है, कहां मारने को देख रहा है, और यही था कि एबी थे सामने, लेकिन जब भी मैं इतना प्रेशर में नहीं आया, और मैं बस अपने प्लान जो मुझे बॉल डालना था, अगर मैं सोच रहा था मुझे यॉर्कर डालना है तो मैं सिर्फ यॉर्कर को बैक कर रहा था और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था। आखिरी सवाल आवेश, क्योंकि आप क्वारंटीन में होटल में, आपको ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रोकेंगे, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के बाद आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें आप रोहित का ऑटोग्राफ ले रहे थे शायद, क्या कहानी थी वो? हाँ, वो मेरे दोस्त के लिए मैंने साइन ली थी एक्चुअली, क्योंकि वो रोहित भाई का काफी बड़ा फैन है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे रोहित शर्मा का ऑटोग्राफ ला के देंगे प्लीज, तो मैंने अपनी जो प्रैक्टिस जर्सी थी उस पे रोहित भाई का ऑटोग्राफ लिया और उसको अभी देखे आया हूँ, तो वो काफी खुश हुआ, वो रोहित भाई से भी काफी अच्छी बात होती है मेरी, जब भी मिलते हैं हाय हेलो होती है, मैंने जैसे मैच के बाद भी उनसे बॉल जब मैंने ऑटोग्राफ लिया तो उनसे पूछा मैंने कि रोहित भाई क्या लगता है, तो रोहित भाई बोले कि अच्छा बॉलिंग डाल रहा है, तेज आ रहा है तेरा बॉल, बस यही है कि अपना दिमाग को ठंडा रख कि कौन सी सिचुएशन में कैसी बॉल डालना है उसको क्लियर रख, और अपना जो प्लान है उसको क्लियर रख, और जो फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल डाल। बहुत बहुत शुक्रिया आवेश इस पूरी बातचीत के लिए, ज्यादा नहीं रोकेंगे आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बार फिर नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।